चेक कराए जरा। आप टेस्ट टेस्ट करके बताएं कैसा है ये चिली गार्लिक लगाया बैद भाई ने। अच्छा यहाँ का बोरिंग का पानी भी फुल मीठा होता है, बेहतरीन हमें यहाँ से लोगों से पता चला है। तो पहाड़ी इलाका है, बोरिंग का पानी भी बिल्कुल मीठा है यहाँ का, ज़मीन का कुदरती तौर पर अल्लाह की तरफ से। चलिए शॉप दिखाते हैं आप लोग अंदर से। दो बजे हैं, बारह बंदे हो गए, बारह हो गए। कितनी होगी वीडियो बनाओ। खाना लग गया है माशाल्लाह। मंडी चावल हमारे तैयार है। जो भाई यहाँ रहते वो हमें बता रहे थे कि यहाँ जिन्नात काफ़ी ज़्यादा हैं, कहते रात में अक्सर ऐसा होता है कि चारपाई समेत हमें उठा के पटक देते, चारपाई भी पलट देते। जिन्नात जिन्नात होने की वजह भी है क्योंकि बिल्कुल गुंजान इलाका है, बिल्कुल यहाँ आसपास कोई आबादी नहीं है, कोई इंसान के नामो निशान भी नहीं है यहाँ पर। इससे ऊपर आ गए पहाड़ की चोटी पर, यहाँ से व्यू देखें। जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसकी कदर करनी चाहिए क्योंकि जो यहाँ से स्लिप हुआ बचने के कोई चांस नहीं है। अच्छा ये फार्म हाउस बन रहा है, मैं आपको लोग एडवांस में इसके बारे में बता देता हूँ। ये स्विमिंग पूल होगा यहाँ पर और अंदर गेस्ट हाउस है, यहाँ पे पार्क है, झूले वगैरह काफ़ी है, मज़ीद और लगेंगे। और सामने पहाड़ी होगी, आप पहाड़ पे भी चढ़ के व्यू इंजॉय कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़बरदस्त फार्म हाउस बन रहा है यहाँ पर। ये माशाल्लाह से हमने कुछ चिकन टिक्का मसाला लगा के लाए हैं और ये फिश है जिसको बारबेक्यू करेंगे, ग्रिल भी है। हम साथ ले आए थे और सीखे भी ले आए थे। ये हमारी ग्रिल है और ये अंगीठी रखी थी माशाल्लाह से, दो अंगीठियाँ काफ़ी होंगी। चलो अच्छा, नहीं नहीं हम चार थे, हम चार थे। महित भाई को पकड़ा दो, जो जो खेल रहे मोबाइल उधर रखवा देते हैं महित भाई के पास। वो किधर है? दूसरा बेड किधर है? सामान भाई ये कैसी अरबी थी? चले हम लोग अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, वीडियो को मुझे स्टॉप करना पड़ेगा ताकि क्रिकेट को एंजॉय कर सकें, आगे मज़ीद आप लोगों को भी लोग बना के दिखा। ये नूरियाबाद का बिल्कुल पहाड़ी इलाका है, नूरियाबाद जो लोग आए उनको पता होगा वैसी पहाड़ी इलाका है, काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे पहाड़ हैं। तो
मज़ा काफ़ी आया यहाँ पे, हमने काफ़ी देर क्रिकेट खेला है। आप लोगों को भी मेरा एक मशवरा है कि कभी कभार शहर से बाहर निकला करें, बहुत अच्छा लगता है, दिमाग माइंड काफ़ी फ्रेश हो जाता है इंसान का। ये बेसिकली कराची में मरकज़ है, तो कराची में बहुत बड़ी मस्जिद है बेसिकली, ये उसका एक मरकज़ है जहाँ पे हम लोग आए हुए थे। आ गए बिल्कुल, मेरे यू फोन के सिग्नल यहाँ पे आ रही है, हम लोग किचन में आए हुए हैं। उबैद भाई, नेट चल रहा था आपका, गुजारा हो रहा है यार? मैसेज आ रहा था, मैसेज टाइप वाले मैसेज आ रहा था। बस वो वीडियो अपनी जगह है, लेकिन वो नेट चलता रहेगा। मैं आ गया, आ गया बिल्कुल। खाने की तैयारी है माशाल्लाह से। ये हमारे अब्दुल्ला भाई कोयले जला रहे हैं, हवा तेज है, आग को रोकना मुश्किल है। यार कोई शॉपर नहीं है हमारे पास, नीचे शॉपर वगैरह बिछा देते हैं। सही है जी। आगे खेत ही खेत है, दूर दूर तक जमीन बिल्कुल खाली है, जहां तक इंसान की नजर जाती है पहाड़ है और खाली जमीन है। सामान सारा रेडी है, बस कोयले जल रहे हैं तो फिर हम शुरू करें। सिग्नल का मसला है, नहीं वो आ गया है, सिग्नल आ गया, नेट नहीं चल रहा है यहाँ पे, 4G का वो नहीं लगा है बूस्टर मेरे ख्याल से, 3G चल रहा है, वो भी बहुत स्लो है, उससे मैसेज जा रहे हैं, एक आदमी एक मिनट के बाद एक मैसेज जाता है। ये हमारे हुसैन भाई रिक्शा धो रहे हैं, चावल बनाने की तैयारी है, फिश भी तैयार करेंगे वो कोयले तैयार बैठे हैं, कोयले जलाएंगे और हवा इस टाइम बहुत है, बहुत ज्यादा तेज है भाई, बहुत तेज है। ये हमारे उबैद भाई खड़े हैं, उबैद भाई हाथ हिला दे। उबैद भाई वो कोई प्रैंक थोड़ी कर रहे हैं आपके साथ भाई। ये तो रहे सिग्नल माशाल्लाह, ये टमाटर काट रहे हैं इस वक्त हम, भाई हमारे टमाटर काट रहे हैं, बहुत मोटे काट रहे हैं यार। आज ये सारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम के साथ इस इनका भी टच ले रहे हैं, तफरीक के लिए आए हुए हैं, अल्लाह इनका आना और यहाँ पे क्रिकेट और ये सारा कुछ करना, ये अल्लाह इनको ये इबादात में शामिल फरमा ले, और अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सब भाइयों को हदायत आला किस्म की हदायत फरमा ले, वो हदायत जो मकसद कहना कि सहाबा कराम को हाँ जी, वो हदायत जो उलमा और जनाब अम्बिया के वरसा को दी, वो हदायत जो जनाब अली मोमिनीन को अता फरमाई, अल्लाह इनसे भी अपना दीन का काम ले ले साथ। ये हुसैन भाई, ये मुझे नहीं लगता ये गत्तल है थे। ये दिखाएं नौमान भाई, दिखाएं टमाटर कैसे डाले जाते हैं, उसके बाद प्याज कैसे डाले जाते हैं। ओ ओ उसे हम भी कमेंट्री करते रहे पीछे से। हां ये वाले जैद भाई ये दिनों वाला हाल लगा रहे हैं, माशाल्लाह दिरहम जैसे बनेंगे। बताते चलें कि प्याज जो है कुछ लोग पुराने सारे डाल देते हैं, लेकिन यहाँ एक एक दाना उठा के डालना।
ये हमारी रेसिपी है, ये गलत तरीका है, ये रेसिपी आज हम अपनी रेसिपी दिखा रहे हैं। यूए की रेसिपी है ये, यूए की रेसिपी। वो कितना चम्मच बात पे है इसमें ना तेल और डाल दे, कोई शुक्र है कोयलों में आग लग गई है, अब जल्दी लाल हो, अब जल्दी लाल हो, बड़ी मुश्किल से आग लगी है भाई। दूसरे कोयले में डाल वाले, पहले ये लाल हो जाए फिर उसके ऊपर डाल देंगे, थोड़े से लाल हो जाए ना फिर ये जल्दी होना शुरू हो जाते हैं। ये भाई मजीद लकड़ियां काट रहे हैं जलाने के लिए। उबैद आज बहुत खुश है, उबैद कह रहे आज आप भरपूर व्लॉग बनाए, हमें भी ले व्लॉग में। वो फिश है, फिश ग्रिल हो रही है माशाल्लाह। बोनलेस चिकन है, तो सामान ध्यान से जलाओगे ना तो हम जला देंगे आपको। जला जला जल्दी बन रही है, ये जल्दी बन रही है। नहीं वो लग रही है जल्दी, उसको सड़ने दो, ऊपर स्किन सड़ेगी तो मुश्किल नहीं है, नहीं नहीं काली हो जाएगी पूरी, लगेगा ऐसे कि बन गई, पानी निकले, एक ऑयल यार देना छोड़ो, अभी रुको अभी रुको अभी रुको, बिल्कुल एंड में लगाते हैं ऑयल को। मैं भाग गया था यार, ये तो चिपक रही क्या, इसको नहीं किया था। हाँ ये चिपकता है ना, सब में चिपकता है, ऑयल वगैरह नहीं है ना, हमने कुछ लगाया भी तो नहीं है इस पे। चेक कराए जरा, आप टेस्ट टेस्ट करके बताएं कैसा है ये चिली गार्लिक लगाया हुआ बैद भाई ने। यार खा के टेस्ट टेस्ट तो करके बताएं कैसा बना है। अच्छा सीख घुसी हुई है, बताएं कैसा है टेस्ट बताएं। नाइस, जस्ट लाइक अ वाओ, सो नाइस सो ब्यूटीफुल। बेहतरीन रिएक्शन, रिएक्शन देखना चारों में यार हम वीडियो बनाने में लगे, हमने खुद नहीं बढ़ गई मछली तो बढ़ गई, फिश कीमा बन गए, सूद गए मछली को, सूद दिया इन लोगों ने मोस्टली को, सूद दिया। प्रोग्राम नहीं बढ़ना चाहिए तो करें। पकी नहीं है लेकिन जल खराब हो गई। सही पकी है, टेस्ट अच्छा है मशरूम। शेफ सारा कोयलों का टेस्ट आ गया। हां मोस्टली करवा हां, जैसे का अजीब सा आ रहा है। आपका ध्यान पता नहीं किधर है, बोलो बोलो उसको हिलाओ, उसको इसको हिलाओ थोड़ा सा, इसको भी तो हिलाओ। नहीं ये उसको भी थोड़ा निकाल दो ना, बंद कर दो इसका। हमारा कीमा बन गया था, कैलियो निकाल दो, बाकी फिश हमने सोचा है फ्राई करेंगे।
सोफा में लगा दिए और कुछ सोया हमने, अब फ्राई करेंगे इसमें। ये ऑलिव ऑयल चला गया, शाबाश सामा जलने नहीं चाहिए। अभी इसमें चिकन भी है, ये चिकन भी बोल है, 8-10 किलो चिकन होगी। नहीं नहीं मछली अगर सही बन गई ना, नहीं बच रही गाँव के कुत्ते भी खतरनाक होते होता है, ख्याल करे अगर पीछे लग गया ना कोई बचाने भी नहीं आएगा। यार मुसाइद पहाड़ी पे चले क्या खाने के बाद, वहाँ जा सकते हैं अगर थोड़ा सा ऊपर चढ़े आप, करीब करीब थोड़ा एंजॉय करें, जगह बहुत प्यारी है ना, क्योंकि ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा सकते, रिस्की है। खाना पकाते हुए हमें याद आया कि कोल्ड ड्रिंक भी ले लेनी चाहिए, वैसे आते हुए इरादा नहीं था हमारा कोल्ड ड्रिंक पीने का, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लड़कों ने डिमांड की कि यार कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए, तो मकामी यार लोगों से पता चला यहाँ आगे शॉप है, तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। ये पता नहीं क्या चीज़ लगी हुई है, खैर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे तो इसका नाम नहीं पता। छोटे छोटे से पौधे लगे हुए हैं, बिल्कुल सिर्फ कोल्ड ड्रिंक के लिए हम अब ख्वार हो रहे हैं। इसराइली मसनूआत का हमने बायकॉट किया। यार मैं ये चीज़ सोच रहा था, जो लोग यहाँ रहते हैं कोई अगर बीमार हो जाए तो कहाँ जाते होंगे, दूर दूर तक ना कोई हॉस्पिटल ना कोई, कब्रिस्तान की कमी नहीं है, कब्रिस्तान की कमी नहीं है बस। ये आपने तो डायरेक्ट जी पार कर नहीं लिया, नहीं 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 इंशाल्लाह जरूर जाएंगे वहाँ पे, आपको यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन है। लोग कैसे जिंदा रहते हैं वो साहब क्या कह रही है, कह रही है यहाँ डॉक्टर नहीं मिलते, यहाँ कोई बीमार होता है तो डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह के साथ हो जाता है उसका।
कह रहे कब्रिस्तान की कमी नहीं है यार, भाई ने तो ऐसे कहा था हाल लगा रहा था कि दुकान को हाल लग जाएगा। यार इतने जंगल में दुकान खोली हुई बड़ी बात है। ये कब्रिस्तान आ गया, दुआ पढ़ लें। अस्सलाम वालेकुम यार, इनको बोल बेटा सर। यहाँ कोई गोट लगता है, छोटा सा कब्रिस्तान। यहाँ पहाड़ों में सांप बहुत ज्यादा होते हैं, मुरियाबाद में पहाड़ों में सांप काफी हैं। यहाँ पे हम तबलीग पे आए थे तो मस्जिद में रुके थे, वहाँ सुराख हमने देखे बड़े बड़े, तो फिर हमें पता चला कि नहीं मस्जिद के सामने जो पहाड़ी थी ना सारी, वॉशरूम बने हुए थे वहाँ पे हमने देखा। ये शॉप आ गई है गाँव की। सोलर सिस्टम, अरे माशाल्लाह यार, दुकान के साथ ही देखें बेहतरीन सोलर सिस्टम लगा हुआ है। और ये पानी है, अच्छा यहाँ का बोरिंग का पानी भी फुल मीठा होता है, बेहतरीन, हमें यहाँ से लोगों से पता चला है। जो पहाड़ी इलाका है, बोरिंग का पानी भी बिल्कुल मीठा है यहाँ का, ज़मीन का, कुदरती तौर पर अल्लाह की तरफ से। चलिए शॉप दिखाते हैं आप लोग अंदर से। कितने बंदे हम, 10 बंदे, दो भैये हैं, 12 बंदे हो गए, 12 हो गए। कितनी होगी वीडियो बनाओ, खाना लग गया है माशाल्लाह। मंडी चावल हमारे तैयार हैं, फिश का सत्यानाश हो गया था, फिश कीमा चावल माशाल्लाह जबरदस्त है यार। बहन दे यार, कैसे टिक्के के अंदर से कच्चा मसाला निकल रहा है लाल। हाँ जी चाचू, ये कह रहे चावल कट पे रहे। फारिग हो गए जो भाई यहाँ रहते हैं, वो हमें बता रहे थे कि यहाँ जिन्नात काफ़ी ज़्यादा हैं। कहते रात में अक्सर ऐसा होता है कि चरपाई समेत हमें उठा के पटक देते, चरपाई भी पलट देते। जिन्नात होने की वजह भी है क्योंकि बिल्कुल गुंजान इलाका है, बिल्कुल यहाँ आसपास कोई आबादी नहीं है, कोई इंसान के नाम व निशान भी नहीं है। यहाँ पर बहुत कम आबादी का दुक्का कोई बंदा आपको यहाँ नज़र आएगा, बाकी सारे दरख्त और झाड़ियाँ और पहाड़ी इलाका है, तो ऐसी जगहों पे जिन्नात होते हैं।
अभी हमारा इरादा है पहाड़ी पे भी जाने का इंशाल्लाह, वहाँ भी व्लॉग बना के आप लोग को दिखाते हैं पहाड़ी से ऊपर का क्या मंज़र क्या है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और इन्जॉय करते जाएँ। जज़ाकअल्लाह। कहवा बहुत अच्छा बनाया था आपने। अब हम लोग पहाड़ की तरफ जा रहे हैं चाय पीने के बाद, वहाँ की भी सैर करते हैं पहाड़ की। वहाँ जाने के लिए इजाज़त लेनी पड़ती है मुंशी से, तो एक मकामी बंदे को हमने साथ ले लिया। तो पहाड़ी पे हम इंशाल्लाह ताला फिर चढ़ेंगे ऊपर। हमने कहा आए हैं तो लड़कों ने कहा यार ऊपर लाजमी जाएंगे, वरना फिर ऐसे मौके पर कहाँ मिलते हैं। बार बार तो आना नहीं होता, दोबारा पता नहीं कब आना हो हमारा। पहाड़ी पे जाने वाले हम। बिल्कुल यही बता रहा था। इंशाल्लाह सफर तो इंशाल्लाह मंजिल तो दूर है हमारी, इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश है कि इस पे इंशाल्लाह चढ़ेंगे इंशाल्लाह, ऊपर तक जाएंगे इंशाल्लाह। हिम्मत तो जवाब दे रही है लेकिन चलेंगे यार। ऐसे मौके फिर कहाँ आते हैं बार बार, बिल्कुल नहीं आते, पता नहीं कब आना हो। हिम्मत करनी आज हमें और चढ़ेंगे इंशाल्लाह। क्या मौका जहाँ तक नजर जाती है पहाड़ी इलाका है, कोई इंसान नहीं है यहाँ पे। हाई टेंशन वोल्टेज के जो है आपको टावर नज़र आ रहे हैं पहाड़ों पर। पहाड़ी करीब आती जा रही है, दूर दूर तक बिल्कुल सन्नाटा है, कोई इंसान कोई जानवर कोई भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ पहाड़ हैं जो दूर से हमें नज़र आ रहे हैं। आगे आप लोग देखें लैन से पहाड़ी इलाका है पूरा। इस पहाड़ी पे हमने चढ़ने ये बाउंड्री है, हमें पता चला यहाँ पे स्टेयर्स भी बनी हुई है, लेकिन पहले इजाज़त लेना पड़ता है। तो अब यहाँ से इंशाल्लाह हम लोग चढ़ेंगे ऊपर। यहाँ से एंटर हो रहे हैं हम लोग दरवाजे से अंदर पहाड़ी पे चढ़ने के लिए। पहाड़ी के ऊपर से एक अलग ही नज़ारा है। व्यू बहुत प्यारा है यहाँ से पूरे इलाके का, दूर दूर तक
नजर आ रहे हैं। किनारे थोड़े खतरनाक है, ज्यादा आगे नहीं जाना, स्लिप ना हो जाए। मजीद ऊपर जा रहे हैं पहाड़ी पर, से ऊपर आ गए पहाड़ की चोटी पर। यहाँ से व्यू देखें, अच्छा एक छोटी सी बाउंड्री है यहाँ पर, और यहाँ तो सिग्नल आएंगे ना, इतनी ऊंचाई पर भी ना है तो जगह थोड़ी ख़तरनाक है, थोड़ा एहतियात से चलना होगा, एक ज़रा सी गलती भी जानलेवा हो सकती है। हवा काफ़ी तेज़ है यहाँ पे, ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा। एक ही बार मिलती है, इसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि जो यहाँ से स्लिप हुआ बचने के कोई चांस नहीं है। ये सारे साथी हमारे दुबई से आए हुए थे, उन्होंने कहा चलो प्रोग्राम बनाते हैं, काफ़ी दिन से सिर्फ घूम ही रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे। तरफ जा रहे हैं, वहां से फिर घर के लिए निकलेंगे। आज का दिन हमारा काफी अच्छा रहा, काफी मजा आया हमें। सीढ़ियां काफी जबरदस्त बनी हुई हैं, काफ़ी सेफ है, वरना ऐसी जगहों पे अक्सर सीढ़ियाँ काफ़ी ख़तरनाक होती हैं। यहाँ शहतूत लगे हुए होंगे अभी क्या? काफ़ी सारे पौधे लगे हुए, आम, शहतूत, जामुन, ये लीमो है, पानी यहाँ का बिल्कुल मीठा है, ज़मीन से कुएं लोग खोदते हैं, बोरिंग करवाते हैं। टायरें वगैरह खाली लगनी है और ये स्विमिंग पूल बन जाएगा कंप्लीट। अच्छी जगह है माशाल्लाह से, यहाँ फार्म हाउस बनेगा तो लोग काफ़ी इंजॉय करेंगे, जगह भी अच्छी है, खुली, झूले वगैरह भी हैं। गिलास कौन गिलास
ये लोग पानी पीते हैं आप ये आपके अच्छा ये फार्म हाउस बन रहा है। मैं आपको लोग एडवांस में इसके बारे में बता देता हूँ। ये स्विमिंग पूल होगा यहाँ पर और अंदर गेस्ट हाउस है। यहाँ पे पार्क है, झूले वगैरह काफ़ी है, मजीद और लगेंगे। सामने पहाड़ी होगी, आप पहाड़ पे भी चढ़ के व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़बरदस्त फार्म हाउस बन रहा है यहाँ पर। नाम तो मुझे इसका नहीं पता, मैं भी पूछ लेता हूँ आप लोग को, एडवांस से बता रहा हूँ। कभी आप लोग अगर पिकनिक प्लान करें तो यहाँ आ सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है। ख़ास तौर पर पहाड़ पे हमें काफ़ी मज़ा आया, ऊपर से व्यू काफ़ी अच्छा था। प्लाजा से भी तकरीबन 40 किलोमीटर दूर आए गए थे। ये एसएफ सिटी बन रहा है, गेट काफी खूबसूरत बनाया है इन्होंने। ये कराची टोल प्लाजा है और हम लोग कराची में दाखिल हो रहे हैं। हम लोग आ गए घर की तरफ और भी लोग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। एक गाड़ी वो जा रही है हमारे, एक ये है आयरूफ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप आप लोग को वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।